हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन क्लासेस। दोस्तों, तो आज हो गया 1 अप्रैल और आज से शुरू हो जाएगा यूपी बोर्ड का नया सत्र। साथ में जो 10-12 का एग्जाम दे चुके हैं बोर्ड एग्जाम, तो उनका रिजल्ट किस दिन घोषित होगा आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अभी, ये खबर जो अभी लास्ट मॉडिफाइड मंडे 1 अप्रैल 2019 6:08, मतलब कि अभी 6:08 सुबह की खबर है 1 अप्रैल दिन अमर उजाला। तो टोटल डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहो। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड के नए सत्र का आगाज सोम से होगा। शैक्षिक सत्र 2019-20 के आगाज की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर व्यवस्था को बेहतर बनाने का सुझाव दिया है। उधर निदेशक कार्यालय की ओर से रविवार को नए सत्र का शैक्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। शैक्षिक कैलेंडर के हिसाब से स्कूलों को अप्रैल माह में बच्चों को परिचय पत्र, पुस्तकालय कार्ड उपलब्ध कराना होगा। रेड क्रॉस, स्काउटिंग, एनसीसी में पंजीकरण कराया जाएगा। सदनवार बच्चों का विभाजन होगा। तो मैं आपसे, जितने भी इस साल बोर्ड एग्जाम में बच्चे गए हैं वो अभी से तैयारियां में जुड़ जाए, ताकि अगर आप सभी अभी से तैयारियां में जुड़ जाते हो तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने के पूरे चांसेस है। बात करते हैं 2019 के रिजल्ट की, तो यूपी बोर्ड 2019 रिजल्ट, यूपी बोर्ड के नतीजे 15 से 20 अप्रैल के बीच में। देखो, मैंने कल भी वीडियो बनाया था, तो अभी श्योर हो चुका है कि 15 से 20 अप्रैल, मतलब अधिक से अधिक 20 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। देखो, यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम अप्रैल के तीसरे सप्ताह घोषित होने के आसार हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है, अवार्ड ब्लैंक भेज दिए गए हैं। अब 15 से 20 दिनों के बीच नतीजे तैयार होकर जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी बोर्ड की इस बार परीक्षा 7 फरवरी से शुरू हुई थी। हाई स्कूल की परीक्षा 14 दिन और इंटर की परीक्षा 16 दिन में समाप्त हो गई थी। अमूमन यह परीक्षाएं करीब 2 माह तक चलती थी। परीक्षा कम समय में खत्म होने से इस बार परीक्षा परिणाम भी जल्द आने के आसार हैं। तो यही था इस वीडियो में ये खबर। देखो, अभी जस्ट मंडे को अप्रैल 1, 2019 6:08 का है, तो मैंने सोचा आप सभी को अपडेट दे दूं। और जो भी बच्चे नए सत्र में जा रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट है शुभम क्लासेस की तरफ से, ताकि वो अच्छा से अच्छा कर पाए इस बोर्ड एग्जाम में। और मैं जल्द से जल्द नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही नया बैच स्टार्ट करता हूँ आप सभी को मैं सूचित कर दूंगा। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।